नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद और हम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद और हम पर स्वास्थ्य संबंधी रोचक जानकारियाँ मिलती रहती है। यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारे वीडियो अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काली मिर्च सब्जियों में पड़ने वाला ऐसा स्पाइस है जो हर घर में मिलता है, पर बहुत से लोग इसके गुणों को नहीं जानते हैं और इसके तीखे लहर के कारण इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और मुंह में आने के बाद भी फेंक देते हैं। दोस्तों, ब्लैक पेपर या काली मिर्च एक फ्लावरिंग वाइन प्लांट है जो पाइपरेसी फैमिली में आता है। इसमें पाइपरिन और अन्य रिलेटेड अल्कलॉइड पाए जाते हैं जो इसे पंजेंट टेस्ट और बेनिफिशियल प्रॉपर्टी देते हैं। नंबर एक, ब्लैक पेपर में नेचुरल ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को स्ट्रेस, एजिंग, बैड लाइफ, नेगेटिव हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के कारण उत्पन्न हो रहे फ्री रेडिकल से बचाता है। इससे डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी भयानक बीमारियां दूर होती है। एक क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि ब्लैक पेपर अन इंडियन स्पाइसेस की तुलना में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करता है। नंबर टू, ट्रीट्स स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर। स्किन के डी पिगमेंटेशन के लिए मेलानोसाइट्स जिम्मेदार होते हैं। ब्लैक पेपर में मौजूद पाइपरिन और दूसरे अन अल्कलॉइड मेलानोसाइट मॉड्यूलेटरी एक्शन शो करते हैं जिससे स्किन के पिगमेंटेशन से संबंधित बीमारियां जैसे चेहरे का बदरंग होना, वाइटिलागो आदि दूर होते हैं। नंबर थ्री, प्रिवेंट्स ब्रेस्ट कैंसर एंड कॉलोन कैंसर। एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा ब्लैक पेपर को विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगों से बचाती है। नंबर फोर, रिड्यूसेज ओबेसिटी। ब्लैक पेपर के स्किन में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स फैट सेल्स को तोड़ने की क्षमता रखते हैं जिससे मोटापा कम होता है। नंबर फाइव, इम्प्रूव डाइजेशन। काली मिर्च जीभ के टेस्ट बड को स्टिमुलेट करता है जिससे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है और डाइजेशन में मदद मिलती है। नंबर सिक्स, लोवर्स डिप्रेशन। दोस्तों, ब्लैक पेपर में मौजूद पाइपरिन और अन्य अल्कलॉइड ब्रेन की सोचने की क्षमता को बढ़ा देते हैं और स्टिमुलेट करते हैं जिससे आपको तरोताज़ा फील होता है और डिप्रेशन दूर होता है। तो दोस्तों, ये थे ब्लैक पेपर के कुछ फ़ायदे। अब जानेंगे इसे किस तरह से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, 5 से 10 ब्लैक पेपर के नग को पीस लें। इसे सलाद या सूप के ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल करें। 5 से 10 पीसे हुए नग दूध या हनी में मिलाकर आप रोज़ाना सेवन कर सकते हैं। ब्लैक पेपर का स्क्रब भी बना सकते हैं। 5 से 10 नग पीस कर इसे दूध या हनी में मिला लें और इसे चेहरे पे एज ए स्क्रब यूज करें। यह स्क्रब डेड सेल को दूर करता है और नए सेल को ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे स्किन ग्लो करने लगती है। इसके एंटीबैक्टीरियल तत्व मुहासों एवं दाग धब्बों को भी दूर करते हैं। स्क्रब इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि यह आँखों के आसपास ना लगे क्योंकि ये आँखों को इरिटेट कर सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं। जब भी मार्केट से ब्लैक पेपर खरीदें तो हमेशा साबुत ही खरीदें क्योंकि इसकी महंगाई के कारण ब्लैक पेपर में नकली खाद्य पदार्थों के मिश्रण की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ फ़ायदे ब्लैक पेपर के। वास्तव में इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। रोज़ाना इसे इस्तेमाल करें और अपने स्वास्थ्य को और तंदुरुस्त बनाएं। आयुर्वेद और हम पर ऐसी जानकारियां लगातार मिलते रहती है। इसे सब्सक्राइब कर घर बैठे बैठे लाभ पाएं। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। आपको इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।